जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बात करने आई हूँ आप सभी से 2023 में बनने वाले गुरु चांडाल योग को लेकर। जब भी हमारी जन्म कुंडली में या फिर ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है जिसमें राहु और बृहस्पति की युति हो जाए, तो ऐसी युति होने की वजह से हम कहते हैं कि गुरु चांडाल योग बन गया। तो मैं आज आप सभी से बात करने आई हूँ इसी गुरु चांडाल योग को लेकर कि किस वजह से गुरु चांडाल योग बना, ऐसा कब होता है, इस योग के बनने से आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार के कष्ट आते हैं। जब भी जन्म कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ आ जाते हैं तो ये गुरु चांडाल योग बना देते हैं। अब यही गुरु चांडाल योग 2023 में भी बनने वाला है, तो ये गुरु चांडाल योग 6 महीने रहने वाला होगा। तो ये 6 महीने हम सभी को बहुत सावधानी पूर्वक बिताने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में अगर गुरु चांडाल योग बनता है तो उनके जीवन में नकारात्मकता ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को गृहस्थी के सुख जल्द ही नहीं मिलते हैं। कई बार गुरु चांडाल योग होने की वजह से इंसान को शादी का सुख नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा वो सारी चीज़ों को शादी से पहले ही कर लेता है। आपने देखा ना, कई बार ऐसी न्यूज़ आती हैं कि शादी नहीं हुई लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु चांडाल योग जिनका बहुत प्रबल होता है, इस दोष के कारण ही होता है। तो हमारे वैदिक शास्त्र में ग्रहों की चाल और गोचर का भी बहुत महत्व होता है। बृहस्पति देव 23 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में राहु पहले से ही विराजमान है। तो ये गुरु और राहु, यानी कि बृहस्पति और राहु का ये मेल बनाता है गुरु चांडाल योग, जो कि रहने वाला है 30 अक्टूबर तक। तो 30 अक्टूबर तक मेष राशि में जब गुरु और राहु एक साथ गोचर करेंगे, वहाँ रहेंगे, तो ऐसे में गुरु और राहु 6 महीने तक एक ही राशि में एक साथ रहने की वजह से बहुत सारी मुसीबतों को खड़ा कर देंगे। ओवरऑल जो मुसीबतें बढ़ेंगी वो कुछ इस प्रकार की मुसीबतें बढ़ेंगी कि हमें अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। लोग अपनी सुध बुध में कहूँगी भूल जाएंगे क्या करना है कैसे करना है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा लोगों के बीच में ज़्यादा होगा। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमें खुद को लगेगा कि बच्चे बिल्कुल दिमाग से कहाँ चले गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब सड़कों पे ऐसी हरकतें करते हुए नज़र आएंगे जो नॉर्मली लोग अपने कमरों में करते हैं, या फिर अच्छी तरीके की न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिलेंगी। कहीं ना कहीं से कुछ दर्दनाक खबरें भी हमें सुनने को मिलेंगी। तो इन दोनों ग्रहों की युति से गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा, जिस वजह से ये सारी परेशानियां हमको देखने को मिलेंगी। जिन लोगों की कुंडली में ये योग बनेगा उनके लिए भी ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी गुरु चांडाल योग है तो ये 6 महीने आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली में गुरु चांडाल योग बनेगा उनके लिए मैं उपाय ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में नकारात्मकता ज़्यादा ना देखनी पड़े। कहीं ना कहीं इस वाले योग में ना लोग बहुत आपराधिक हो जाते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें इस पीरियड में बहुत अजीबोगरीब सी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी, अच्छी खबरें नहीं होंगी। मतलब एक छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसको लगेगा बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस गुरु चांडाल योग के लिए उपाय के तौर पे सबसे पहले तो देखिए, जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग बन रहा है उन्हें गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गुरु चांडाल योग यानी गुरु और राहु का मेल। तो ऐसे में राहु को जब हमें ख़त्म करना है, राहु की नेगेटिविटी को हटाना है, तो हम अपने गुरु ग्रह को बल देंगे। तो आप भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का पूजन ज़रूर करिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ये बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। केले के वृक्ष की पूजा आप रोज़ाना करिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल दोष है तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से भी चीज़ें आपकी सुधरने शुरू हो जाएंगी।
सूर्य देव की उपासना करना और सूर्य देव को अर्घ देना, ये भी बहुत उत्तम साबित होगा। तो जिन लोगों के जन्म कुंडली में गुरु चांडाल दोष है, आप लोग ये छोटे छोटे उपाय करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। इसके अलावा आपको माथे पर हल्दी का तिलक जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि गुरु चांडाल दोष की वजह से जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है वो नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने कहा आपको, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरु चांडाल योग से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु, भोलेनाथ और हनुमान जी की उपासना करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। इसलिए अगर आप मेल हैं तो आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस दोष से मिल रहे नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर से कम होने लगेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी गुरु चांडाल योग को लेकर जो बनने वाला है, और जिस वजह से अगर आप में से किसी की जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो आप ये छोटे छोटे से उपाय करके इस दोष को कम कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयरिंग पता नहीं किसके लिए केयरिंग बन जाए। जय माता दी।